गाइस, हमने एक्सरसाइज 3.3 ही तक कर लिया है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, क्योंकि आई नो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं करे हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरह आने चाहिए, देन यू कैन डू इट इजीली। बट अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ चीज़ें कट हैं जो हैं जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। अरे जनरल सॉल्यूशंस, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ये फॉर्मूला आपके पास कट है, ठीक है, न्यू सिलेबस में। और ये कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, इसका फॉर्मूला भी आपके पास कट है। और टैन एक्स इज इक्वल टू टैन वाई, सो ये वाले आपके पास ये जनरल सॉल्यूशंस वाले फॉर्मूला कट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल। सी, दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। एक होते हैं किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जिसमें हम इसी एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक होते हैं जनरल सॉल्यूशंस, जो कि आपके सिलेबस से कट हैं, जिसको हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं। लाइक एक जनरल लिखते हैं कि ओके एक्स कैन बी दिस, ठीक है ना, जिसमें हम एन की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो एन एक्स कुछ भी आ सकता है। इसमें पर्टिकुलर्स निकालते हैं सॉल्यूशन, जैसे सी साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। अभी आपको पता है रूट थ्री बाई टू साइन एक्स क्या होता है, कौन से डिग्री भी होता है, डिग्री ठीक है ना, 60 डिग्री, पाई बाई थ्री भी होता है। बट फिर आपको पता है कि टू पाई के बाद रिपीट भी होते हैं, ठीक है ना, तो वो एंगल्स जहाँ पे ये वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो हम निकालेंगे। एक तो देखो आ गया आपके पास यही, ठीक है, डायरेक्ट आ गया एक, आप 2π/3 आ सकता है, इसको आप लिख सकते हो π-π/3, ठीक है। तो एक एंगल तो आपको पता होगा जैसे कि 60 डिग्री, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, 180 उसको माइनस करके। डन, टेंजेंट π/6, टेंजेंट π/6 होता है 1/√3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये -1/√3 है, आई नो, बट हम पहले पॉजिटिव को लेके चलेंगे। फिर हमने क्या करना है, उसी एंगल को हमने क्या कर देना है, पाई में से माइनस कर देना है। डन, तो अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि पाई में से माइनस करके मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसके बाद पाई माइनस कर देना है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, पर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा, एक तो ये, नेक्स्ट चीज़ 2π में से माइनस कर दो। अब 2π में से माइनस क्यों करा हमने इसमें, क्योंकि देखो हमने -1/√3 की बात करें, 1/√3 है पाई बाई सिक्स, तो ठीक। सो जब माइनस का क्वेश्चन है तो एक बार आप 2π में से माइनस कर दो, ठीक है। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशंस वाले आपके पास कट हैं, ये जनरल सॉल्यूशंस वाले आपने नहीं करने। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें, सॉरी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको लिखा होगा कि फाइंड द प्रिंसिपल, लिखा है कि सॉल्व दिस, तो ये जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन हैं, ये आपको नहीं करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस करना है सिर्फ, जनरल वाले नहीं करने। सेकंड सारा क्वेश्चन करता है ये। दिस वॉज ए शॉर्ट वीडियो, बिकॉज एक्सरसाइज 3.4 में से आपके पास बहुत सारी जो कट हैं आपके पास, ठीक है, चीज़ें, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन जिसमें मेन होता है वो सारा आपके पास अब कट हो चुका है, ठीक है। सो वी आर ओवर विद दिस चैप्टर ऑल्सो, एंड इसकी आपको, इसकी एक्चुअली चैप्टर की समरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो भी मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला याद रखना, फिर ये कन्वर्जन का फॉर्मूला याद रखना, फिर ये जो टेंथ वाले फॉर्मूलेस मैंने कहे थे आपको याद रखने के लिए, ठीक है, और ये माइनस ऑफ एंगल वाला बताया था आपको, ये सारे आपको फॉर्मूलाज जो हैं याद रखने हैं, ठीक है। ये तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम से आप कर सकते हो, ये आपको इजीली पता लग जाएगा, बट ये चारों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अगेन ये भी याद रखने हैं, ये आप टेंजेंट वाले का उल्टा कर सकते हो इसमें, ठीक है, कैसे कि टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई, यहाँ पे कोट एक्स प्लस कोट वाई जो है नीचे आ जाएगा, और इसका ऑपोजिट कोट एक्स कोट वाई -1, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। इसमें जो आप ये याद रखो, ये अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें टेंजेंट वाला याद रखना है आपने, ठीक है। सिमिलरली विद द साइन वन, तो ये जो है सारे के सारे फॉर्मूले, सी डी फॉर्मूले, प्रोडक्ट फॉर्मूले, तो ये सारे जो ये जनरल वाले नहीं याद रखने हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन याद रखना है अपने सिर्फ। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करना है, बस हमने क्या कर देना है, पाई में से माइनस कर देना है सेकेंड एंगल निकालने के लिए, पर अगर माइनस में है कोई चीज़ तो हमने 2π में से भी माइनस कर देना है, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं इसको करने की। सो वी आर ओवर विद दिस चैप्टर।